याचना नहीं अब रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा। वेलकम टू एनसीईआरटी वे यूपीएससी। दोस्तों एनसीईआरटी वे यूपीएससी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बड़ी खबर है ये बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले हमने बताया था और आज से बहुत दिन पहले ही हमने वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। हमने कहा था कि आपके पेपर होंगे, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि पेपर शायद कैंसिल हो सकते हैं या और भी कई सारी जो है न्यूज़ आ रही थी। लेकिन देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम जो रिमेनिंग एग्ज़ाम है क्लास ट्वेल्थ के वो होंगे, और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है वहाँ के जो सर्टन रीजन है वहाँ पे टेंथ के बोर्ड के एग्ज़ाम भी रह गए थे, तो वहाँ पे टेंथ के और ट्वेल्थ के दोनों के एग्ज़ाम होंगे। देखिए जो सब्जेक्ट्स हैं बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड के, उनके एग्जाम होने वाले हैं। और ये अनाउंस कर दिया है आज एचआरडी मिनिस्टर ने, जो कि हमारे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि बोर्ड के एग्जाम होंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जो है ये फोटो शेयर की है, आप देख सकते हैं इस इमेज को। एमएचआरडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसने एक तरीके से नोटिफिकेशन ही निकाल दिया है एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपके साथ ये फोटो भी शेयर कर देता हूं, ये देखिए आप यहां पे देख पा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इस फोटो में क्या बोला है कि जो क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ है उसके एग्जाम होंगे, और वो होंगे जुलाई में। जुलाई में आपके एग्जाम होंगे, फर्स्ट लेके 15th जुलाई के बीच में। कभी भी जो है डेट शेड्यूल बनाया जा सकता है, टाइम टेबल बनाया जा सकता है। फर्स्ट टू 15th जुलाई के बीच में क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम जो रह गए थे वो एग्जाम होंगे। तो आप अपनी जो है स्टडी कंटिन्यू कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आप cbse.nic.in जो साइट है ऑफिशियल साइट वहां पे जाके आप देख सकते हैं सीबीएसई की जो है ऑफिशियल साइट। तो ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए और स्टडी करते रहिए। एंड यस स्टे होम स्टे सेफ, रीड बुक्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज रीडिंग बुक्स गिव्स यू लॉट ऑफ नॉलेज। सो आई होप आप बिल्कुल सही हो और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो हारेगा कोरोना, तो पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।